شروعات کنه وای سلام علیکم شو نه کرا یک جوان تو گاڑی بیچ پاس پاس نه السلام علیکم ویورز گائز اور ہی دیں گے آج اور ہی دیں کا جو میچ खेला जा रहा है वो है फैशन मार्ट सफापुरा और ब्रेव हुड सुहापुरा के दरमियान। आपको याद दिलाए कि ये थर्ड क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाएगा वाकुरा क्रिकेट ग्राउंड में। तो टॉस न्यूज़ की बात अगर करें तो ब्रेव हुड सुहापुरा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अभी तक सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं सुहेल बट और उसका साथ देने उतरे हैं आदिल। माइक ही नहीं लगा डाटा क्रिएशन पेज खुदा का सामना है माइक ही लगाए सहेल हाँ क्या बेहोश हो गए तेनाथ पाथर भाव ने सहेल ओ सहेल क्या आदिल हमें बॉलर्स नेम क्यों भाया तो मोहम्मद रफीक गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए तैयार। सामना करेंगे सुहेल भाई तो पहली गेंद की थी मोहम्मद रफीक ने दिशाई गेंद की थी, गेंद चली गई एक्स्ट्रा के रूप में चार रन। दूसरी गेंद हालांकि अंपायर का इशारा लेग बाय तो एक्स्ट्रा के रूप में अभी तक ब्रेव हर्ट्स का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान पर। एक मर्तबा फिर से याद दिलाए कि ये WPL एडिशन सेकंड का तीसरा क्वार्टर मैच खेला जा रहा है फैशन मार्ट सफापुरा और ब्रेव हर्ट्स वाकुरा के दरमियान। ब्रेव हर्ट्स वाकुरा ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। तो मोहम्मद रफीक एक मरतबा फिर से चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है गेंद की, उठाना चाहते थे लेकिन हमारे ट्राईपॉड पे गेंद लगी गेंद की वजह से। तो यहां पे लाभ नहीं उठा पाए आदिल अहमद। इसी के साथ अपना खाता खोला है आदिल अहमद ने। कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं गेंदबाज और मोहम्मद रफीक। चलिए हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है गेंद की, अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे की ओर रही गेंद। तो सुहेल भट्ट बाहर निकलकर मारना चाहते थे गेंद को लेकिन तो गेंद चली गई मिड विकेट के फील्डर के पास, फील्डर मौजूद। तो छोर बदलने में असफल यहां पे ब्रेव हर्ट्स के दोनों सलामी बल्लेबाज। आयत जान प्लीज टीम्स नाम बोलो, आज जो मैच है ब्रेव हर्ट्स और फैशन मार्ट सफापुरा के दरमियान। तो एक और
दिशाई गेंद की थी यहाँ पे गेंदबाज मोहम्मद रफीक ने, तो हालांकि अभी तक तीन ही गेंद कर चुके हैं मोहम्मद रफीक, काफी दिशाई गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद रफीक। सामना करेंगे सहेल भट्ट, चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है गेंद की, अच्छी गेंद उठाया है मिड विकेट की ओर से, फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, चार रन। तो तो एक और वाइड, 18 रन दे चुके हैं अभी तक मोहम्मद रफीक। काफी पहला ही ओवर महंगा साबित होता जा रहा है फैशन मार्ट सफापोरा की ओर से। आप सामना करेंगे आदिल जो कि कुरहमा से ताल्लुक रखते हैं, देखेंगे क्या कर पाएंगे। मोहम्मद रफीक एक अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला है आदि ने, तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से माइक नहीं चल रही थी, इसके लिए हम माजरा खा है। तो एक मरतबा फिर से मोहम्मद रफीक, चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है गेंद की, अच्छी गेंद, उछाल थी गेंद में, बैट्समैन के ग्लव पे गेंद लगी, इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान पर। तो एक मरतबा फिर से याद दिलाए कि आज का जो मैच है वो खेला जा रहा है बिटवीन ब्रेव हर्ट्स वाकुरा और फैशन मार्ट सापुबोरा के दरमियान। इनिंग्स का पहला ओवर हो चुका है, ओवर डाला है मोहम्मद रफीक ने। आप इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं मामा हिलाल मामा, जो कि काफी सीनियर क्रिकेटर है सफापोरा की ओर से। हिलाल माम, चले हल्के कदमों से एक अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, तो बैट्समैन ने कोई छेड़खानी नहीं की गेंद के साथ, गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। दूसरी मरतबा मिठमान, चले अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई गेंद, तो बैट्समैन सुहेल भट्ट ने डिफेंसिव अंदाज में खेला है गेंद को, तो स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 18 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी हमारे पास प्लेइंग 11 नहीं पहुंचा है। मिठमान एक मरतबा फिर से अच्छी गेंद और इसी के साथ पहली विकेट का पतंग। तो सहेल भट्ट अपने खेमे में वापस, मिठमाम ने अपनी तीसरी गेंद पे विकेट दिलाई अपनी टीम फैशन मार्ट सफापोरा को। एक अच्छे खिलाड़ी थे सहेल भट्ट ब्रेव हर्ट्स वाकुरा के, वापस जाना होगा, कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। हालांकि पहले ओवर में 18 रन आ चुकी थी, लेकिन उसमें काफ़ी दिशाई गेंदबाजी की थी मोहम्मद रफीक ने, दो वाइड फोर्स आ चुके थे उस ओवर में, एक्स्ट्रा के रूप में काफी रन आ चुकी थी। आप तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने उतरे हैं मुनीर हजाम, जो कि काफी होनहार खिलाड़ी है वाकुरा के।
तो हिलाल मामा ने अभी तक इनिंग्स का दूसरा ओवर कर रहे हैं। तीन गेंदें की है, दो गेंदों पे बीट किया था सोहेल भट्ट को, और तीसरी गेंद ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, उठाना चाहते थे लेकिन बीट हुए सोहेल भट्ट और अपने खेमे में वापस। आप सामना करेंगे मुनीर हिलाल मामा का। हिलाल मामा चले हल्के कदम से गेंद की, अच्छी गेंद पढ़ने के बाद बाहर की ओर निकली, बैट्समैन डिफेंस करना चाहते थे लेकिन यहाँ पे बीट हुए। एक और डॉट डिलीवरी, स्कोर बदस्तूर 18 रन एक विकेट के नुकसान पर। मामा एक मरतबा फिर से चले हल्के कदम से एम्पायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, एक अच्छा ड्राइव खेला यहाँ पे मुनीर ने, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। हालांकि खिलाड़ी गेंद के पीछे थे लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक खेला है मुनीर के बल्ले से, गैप में खेला गया शॉट, तो मुनीर ने इसी के साथ अपना खाता खोला। स्कोर पहुंचा है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी है सोहेल भट्ट। इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर ये वॉइड नो बॉल ना हो तो सामना करेंगे मुनीर मिठमावा। चले हल्के कदमों से अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आई, तो कट करना चाहते थे लेकिन गेंद में गति बहुत ज़्यादा थी, जब तक शॉट खेलना चाहते थे तब तक गेंद ग्लोव्स पे लग चुकी थी। तो इसी के साथ दूसरे ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सोहेल भट्ट। आज के मैच के जो अंपायर है वो सीनियर क्रिकेटर नज़ीर अहमद हजाम और शबीर भट्ट। शबीर भट्ट काफ़ी माने जाने खिलाड़ी है, विकेट कीपर बैट्समैन है वाकूरा डायमंड प्लस के। इनिंग्स का तीसरा ओवर करने के लिए मोहम्मद रफीक फिर से तैयार। सामना करेंगे आदिल। अच्छी गेंद, एक अच्छा स्ट्रोक खेला है लेकिन फील्डर तैनात, हल्की सी फंबल हुई गेंद देखना चाहेंगे। तो जब तक फील्ड किया गया गेंद को तो बैट्समैन दो रन लेने में सफल रहे, तो स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर। याद दिलाए फिर से कि ब्रेवहट स्वाकुरा ने पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी का निर्णय लिया, सलामी बल्लेबाजी करने उतरे थे सोहेल भट्ट और आदिल। हालांकि सोहेल भट्ट खासा कुछ कर नहीं पाए, प्रिविलियन वापस चले डगआउट में। मिठमामा ने आउट किया था उसको, एक और अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रो, फील्डर मौजूद लेकिन मिस फील्ड की वजह से गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 स्कोर में 4 रनों का इजाफा, स्कोर पहुंचा है 28 रन। एक अच्छा स्ट्रो खेला है आदिल के बल्ले से। अभी तक अगर मोहम्मद रफी की बात करें तो 8 गेंदे कर चुके हैं, 24 रन अपने 8 गेंदों में दे चुके हैं अभी तक मोहम्मद रफी। सोहेल भट्ट जिसने 4 रन बनाए और हिलाल मामा का शिकार हुए यहाँ पे सोहेल भट्ट। अब काफ़ी जिम्मेदारी है आदिल के कंधों पे, देखेंगे क्या कर पाएंगे आदिल। एक मरतबा फिर से रफीक चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, अंपायर का इशारा वाइड। तो एक्स्ट्रा के रूप में काफ़ी रन्स खर्च कर चुके हैं अभी तक फैशन मार्ट सफापुरा। मोहम्मद रफीक जिसने 25 रन दिए अभी तक 8 गेंदों में। मोहम्मद रफीक चले एक मरतबा फिर से हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद यहां पे अपील की और तो अंपायर ने नकारा यहाँ पे, गेंद ऊपर लगी, विकेट को मिस कर रही थी गेंद।
अगर फैशन मार्ट की बात करें तो उनके प्लेइंग एलेवन में है शबीर अहमद, हिलाल मामा, नासिर परे, सिकंदर, नज़ीर अहमद, सज्जाद, एजाज, रफीक, आमिर, शौकत अहमद और समीर। एक मरतबा फिर से उठाना चाहते थे गेंद को, लेकिन चूँकि यहाँ पे आदिल तो गेंद सीधे आई है आदिल के बाजों पे। ब्रेव हर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उनके प्लेइंग वाले उनमें है आज आशिक अहमद जो कि टीम के कप्तान है, सहेल बा जो कि प्रविलियन वापस जा चुके हैं, शाहिद नबी, मुनीर अहमद हजाम, शौकत नजार, बिलाल अहमद, समीर अबरार, सज्जाद, साहिल आर्चर और आदिल अहमद। ये था प्लेइंग एलेवन दोनों टीमों का। तो एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला आदिल के बल्ले से, एक और चार रन जड़ा है आदिल ने अपने टीम के स्कोर में, तो स्कोर में चार रन का इजाफा, काफी खर्चीले साबित हुए हैं मोहम्मद रफीक। चले हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस किया है गेंद की, अच्छी गेंद उठाना चाहते थे लेकिन स्लोवर डिलीवरी की गेंद थी, गेंद लगी सीधे बैट्समैन के पैर पे। तो इनिंग्स का चौथा ओवर डालने के लिए हिलाल मामा फिर से तैयार और अपने कोटे का दूसरा ओवर। फील्डिंग सजाते हुए सामना करेंगे मुनीर अहमद। हिलाल अहमद चले हल्के कदमों से, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, बल्लेबाज उठाना चाहते थे कवर के ऊपर से लेकिन संपत नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, तो गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। मामा फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे मुनीर। गेंद की अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी की गेंद थी तो डिफेंसिव अंदाज में खेला, फील्डर मौजूद है, फील्ड किया गया गेंद को तो छोर बदलने में सफर रहे मुनीर अहमद। स्कोर में एक और रन का इजाफा, अब सामना करेंगे आदिल। मामा मामा चले हल्के कदमों से गेंद की, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक आदिल के बल्ले से, तो गेंद चली गई सीधे तारा मंडल में छेरा। तो इनिंग्स का पहला छक्का आदिल के बल्ले से, अगर फैशन मार सफापोरा को कम रन्स पे रोकना है तो आदिल की विकेट लेनी होगी यहाँ पे। आदिल काफ़ी होनहार खिलाड़ी है ब्रेव हर्ट्स वाकुरा की ओर से, हालांकि गेंदबाज हिलाल मामा गेंद को चेक कर रहे हैं, गेंद में कोई प्रॉब्लम की वजह से गेंद नहीं लानी होगी यहाँ पे। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा वेट करें, स्कोर भी हम अभी बताएंगे।
तो स्कोर पहुंचा है 40 रन एक विकेट के नुकसान पर ब्रेव हर्ट्स वाकूरा। चालीस रन हो चुकी है अभी तक, 10 के ऊपर से रन रेट चल रही है ब्रेव हर्ट्स वाकूरा की। तो एक मरतबा फिर से हिलाल मामा सामना करेंगे आदिल, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है आदिल। हिलाल मामा चले हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, स्ट्रोक खेला था, फील्डर मौजूद, तो रन लेने में असफल रहे यहाँ पे बल्लेबाज आदिल। हिलाल मामा फिर से हल्के कदम से चले अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, एज लगा है गेंद पे, भाग्यशाली रहे आदिल। अगरचे बल्ले का अंदरूनी किनारा न लगता तो गेंद यकीनी तौर पर विकेट पर लग जाती। इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर ये वाइड या नो बॉल ना हो तो सामना करेंगे आदिल। स्कोर 40 रन, चौथे ओवर का खेल जारी। हिलाल मामा चले हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की मारना चाहते थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, लाभ नहीं उठा पाए आदिल, तो गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 40 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट गंवा चुकी है ब्रेव हर्ट्स वाकूरा। आज यहाँ पे दादा क्रिएशंस का ओनर मुहित फयाज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लिटिल बिट परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ पर्सनल काम की वजह से वो अभी तक नहीं पहुंचे ग्राउंड में, तो अब नए गेंदबाज फैशन मार्ट की ओर से गेंदबाजी करने आए हैं मोहम्मद आमिर। जिस जिस ने भी यहां पे कमेंट्स की है बाद में सभी कमेंट्स का जवाब देंगे। सब्र रखे, इनिंग्स का पांचवा ओवर करने आमिर चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, कैच का अवसर बन सकता था लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, तो स्कोर बदस्तूर 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाली खिलाड़ी सोहेल भट्ट, जिसने केवल एक चार रन जड़ा अपने स्कोर में, तो चार रन पे उसने अपना विकेट गवाया है, जबकि सलामी बल्लेबाज आदिल और उसका साथ दे रहे मुनीर हजाम। मुनीर हजाम सामना करेंगे मोहम्मद आमिर का। मोहम्मद आमिर चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, क्या गेंद है, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, तो गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाली खिलाड़ी सोहेल भट्ट, लंबे कद के खिलाड़ी है आमिर, हाई आर्म एक्शन, काफ़ी अच्छी गेंद है, दोनों गेंदों पे बीट किया है मुनीर अहमद को, तो तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। चले गेंद की अच्छी गेंद, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, मुनीर अहमद को चाहिए कि वो साथ दे इन टच बैट्समैन आदिल को, वो स्ट्राइक पे ज़्यादा से ज़्यादा रखे। ब्रेव हर्ट्स को चाहिए कि वो एक बड़ा टोटल दे यहाँ पे फैशन मार्ट सफापुरा को, क्योंकि फैशन मार्ट सफापुरा में बल्लेबाजों की कमी नहीं है। एक मरतबा फिर से आमिर चले हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, तो गेंद में उछाल की वजह से बीट हुए मुनीर हजाम, तो चौथी गेंद भी डॉट की यहाँ पे मुनीर हजाम ने।
इसको चाहिए कि वो आदिल को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे रखे। आदिल ने अभी तक एक अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है, तो आमिर लंबे कद के खिलाड़ी चले हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है। गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, हालांकि गाइड करना चाहते थे मुनीर हजाम, लेकिन बीट हुए आमिर में। जो आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, तो मुनीर को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दे आदिल को। तो इस ओवर में आखिरी बार अगर ये वाइड या नो बॉल हो तो सामना करेंगे मुनीर। गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, तो इसी के साथ मिडन ओवर डाला है मोहम्मद आमिर ने। तो स्कोर 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। काफ़ी सीनियर क्रिकेटर है फैशन मार की ओर से नासिर परे, हिलाल मामा। तो चोटिल हुए यहां पे विकेट कीपर। टॉस की अगर बात करें तो टॉस ब्रेवहुड्स वाकुरा ने जीत कर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अभी तक इनिंग्स के 5 ओवर हो चुके हैं, स्कोर 40 रन एक विकेट के नुकसान पर। शाहिद खान आज इंजर्ड है, तो इंजरी की वजह से आज वो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो यहाँ पे फैशन मार्ट सफापुरा मिस कर रहे हैं शाहिद खान को, क्योंकि शाहिद खान एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है। शाहिद खान पिछले मैच में एक अच्छी बल्लेबाजी की थी शाहिद खान और हिलाल मामा ने। एजाज शाह वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद ताहिर मैंने पहले ही बुलाया कि शाहिद खान आज इंजर्ड थे, तो इंजरी की वजह से वो आज प्लेइंग 11 में नहीं है। अभी तक विकेट कीपर यहाँ पे चोटिल हुए थे परवेज रसूल। वालेकुम अस्सलाम। एक सजाद बाबा है प्लेइंग 11 में। तो इनिंग्स का 6ठा ओवर डालने के लिए हिलाल मामा तैयार, अपने कोटे का 3रा ओवर। चले गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल मिली गेंद में, तो बीट किया यहां पे बल्लेबाज आदिल को। हिलाल मामा एक सीनियर क्रिकेटर है फैशन मार्ट सफापुरा की ओर से। चार रन बचाए अपनी टीम के लिए विकेट कीपर ने 11 नंबर की जर्सी पहनते हुए हिलाल मामा। इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद की अच्छी गेंद, यहाँ पे कैच का अवसर बन सकता है, देखेंगे क्या कर पाएंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ दूसरे विकेट का पतंग और हिलाल मामा के खाते में दूसरा विकेट। यहाँ पे वापस जाना होगा आदिल को, जो कि सलामी बल्लेबाजी आए थे, सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए थे सोहेल भट्ट और आदिल, दोनों वापस चले गए
अपने डग आउट्स में हिलाल मामा के शिकार हुए दोनों। अब नए बल्लेबाज आए हैं समीर अहमद, हालांकि स्कोर बदस्तूर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ब्रेव हर्ट्स वाकूरा 4 ओवर में 40 रन बनाए थे ब्रेव हर्ट्स वाकूरा ने, तो 5वां ओवर करने के लिए आए थे मोहम्मद आमिर, जिसने मिडन ओवर डाला था। अब इनिंग्स का 6ठा ओवर चल रहा है, बॉलिंग कर रहे हैं हिलाल मामा। हिलाल मामा एक मर्तबा फिर से तैयार, इस ओवर की तीसरी गेंद, सामना करेंगे मुनीर हजाम। हिलाल मामा चले हल्के कदमों से, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, रन आउट होने का खतरा, लेकिन बाल बाल बचे यहां पे समीर अहमद। यहां पे सुसाइड रन लेने की कोई जरूरत नहीं है, स्कोर अच्छा है, विकेट को बचा के रखना है ब्रेव हर्ट्स वाकूरा को। अगर एक अच्छा टोटल देना है सफापुरा को तो विकेट पे बनी रहना है दोनों खिलाड़ियों को, एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी यहां पे दोनों बल्लेबाजों को। तो हिलाल मामा इस ओवर में चौथी मरतबा चले हल्के कदमों से, अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, तो गाइड करना चाहते थे मुनीर अहमद, लेकिन बीट हुए गेंद पड़ने के बाद, या तो अंदर की ओर आती है या तो बाहर और आती है, तो हल्का सा परेशानी का सामना करना पड़ता है मुनीर अहमद को, खेलने में दिक्कत हो रही है। हिलाल मामा काफी सीनियर क्रिकेटर है फैशन मार्सापापोरा की ओर से, सामना करेंगे मुनीर। हिलाल मामा चले हल्के कदमों से, अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, तो कवर के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 4 रन स्कोर में, 4 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सोहेल बाज, जिन्होंने 4 रन बनाए, जबकि दूसरे खिलाड़ी आउट होने वाले हैं आदिल। हिलाल मामा चले, अच्छी गेंद, दिशाई गेंद थी, तो अंपायर नजीर अहमद का इशारा वाइड। स्कोर 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 6th ओवर इज इन आवर प्रोग्रेस। मामा अच्छी गेंद, कट करना चाहते थे लेकिन पड़ने के बाद अंदर की ओर आई गेंद, बीट किया है मुनीर हजाम को। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी सोहेल भट्ट और आदिल। आखिरी 2 ओवर में केवल 5 रन खर्च किए हैं मोहम्मद आमिर और हिलाल मामा ने, हालांकि हिलाल मामा ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, जो कि इनके स्ट्राइक गेंदबाज मोहम्मद रफीक काफी खर्चीले साबित हुए। तो आज मुहित फयाज यहाँ पे खुद नहीं आ सके, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुनीर, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुहित फयाज को आने ही वाले हैं। हालांकि अगर यहाँ पे डायरेक्ट हिट होता तो
तो बल्लेबाज के पैड पे लगी गेंद लेग बाई के रूप में, दो रन मिली यहां पे ब्रेव हॉट स्वाकुरा को, स्कोर 47 रन दो विकेट के नुकसान पर। आमिर फिर से सामना करेंगे समीर। आमिर अच्छी गेंद, डिफेंसिव अंदाज में खेला, आमिर ने खुद ही फील्ड किया गेंद को, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर बदस्तूर 47 रन दो विकेट के नुकसान पर। आमिर अभी तक 8 गेंदे कर चुके हैं इस इनिंग्स में, केवल 2 रन खाए हैं आमिर ने। आमिर तीसरी मरतबा चले, हल्के कम से अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, अच्छी गेंद कट किया है गेंद को, पॉइंट पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड किया गया गेंद को तो बल्लेबाज छोर बदलने में सफल, स्कोर में 1 और रन का इजाफा, स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो आमिर चौथी मरतबा चले, हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, अच्छी गेंद, दिशा दी गेंद को, फील्डर तैनात, जब तक फील्ड किया गया गेंद को तो बल्लेबाज एक मरतबा फिर से छोर बदलने में सफल, स्कोर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आमिर लंबे कद के खिलाड़ी है, राइट आर्म ओवर द विकेट, मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर रहे हैं आमिर। फिर से चले गेंद की, अच्छी गेंद उठाया बल्लेबाज ने, कैच का अवसर बन सकता है, देखेंगे क्या कर पाएंगे। तो एक आसान सा कैच लपका यहां पे फील्डर ने, तो तीसरा विकेट समीर ब्रेवर्ड्स के खेमे में वापस। हालांकि ये काफी मुश्किल कैच था, लेकिन जैसे कि फील्डर ने कैच को लपका, एक आसान सा कैच बनाया फील्डर ने, तो मोहम्मद आमिर को पहली सफलता मिलती हुई। शाहिद खान कैच नहीं, अच्छी याद को मैं शाहिद खान कैच हूँ। तो यहाँ पे हमने मालूम किया है कि शाहिद खान क्यों नहीं है, तो फैशन मार्ट के दोनों सीनियर क्रिकेटर हिलाल मामा और नासिर परे ने बोला है कि उसको रिस्ट इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। बिलाल अहमद आए हैं नए बल्लेबाज, हालांकि 3 विकेट गवा चुकी है अभी तक ब्रेव हॉट स्वाकुरा। आमिर चले, हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया है गेंद की, अच्छी गेंद, हालांकि बाहरी किनारा लगा था लेकिन स्लिप में कोई फील्डर नहीं मौजूद, गेंद थर्ड मैन ने फील्ड की, तो स्कोर में 1 और रन का इजाफा, स्कोर 50 रन। इनिंग्स के 7 ओवर हो चुके हैं, 7 ओवर में ब्रेव हॉट स्वाकुरा ने बनाए 50 रन, जबकि 3 विकेट खो चुकी है ब्रेव हॉट स्वाकुरा। अब इनिंग्स का 8वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए आए हैं शौकत अहमद, सामना करेंगे मुनीर हजाम। मुनीर हजाम एक सेट बल्लेबाज है और साथ देने उतरे हैं बिलाल अहमद, देखेंगे
कितना साथ देंगे बिलाल अहमद मुनीर का। शौकत अहमद चले हल्के कदम से एम्पायर को क्रॉस किया है, गेंद की एक अच्छा स्ट्रोक, फील्डर तैनात, देखेंगे तो एक आसान सा कैच लपका है तो मुनीर अपने डगआउट में वापस। एक और विकेट मिलता हुआ शौकत अहमद की पहली गेंद पे उसने विकेट ले लिया यहां पे ब्रेव हर्ट्स का। जल्दबाजी कर रहे हैं यहां पे ब्रेव हर्ट्स वाकुरा की टीम। यहां पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के अंपायर शबीर अहमद भट्ट, उनके साथ हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। शबीर अहमद से ये कहना चाहते हैं कि ब्रेव हर्ट्स को क्या करना है अगर यहाँ पे एक अच्छा टोटल देना होगा। बस विकेट पर रहना है, शुक्र तो खुद ब खुद आ जाएगा। हालांकि अगर बात करें फैशन मार्ट सफापोरा की, तो फैशन मार्ट सफापोरा में आपको क्या लगता है स्ट्रेंथ क्या है, तो कितने रन बनाने होंगे, कितना टोटल देना होगा यहाँ पे ब्रेव हर्ट्स को, तो ये स्कोर सेफ है 200 के आसपास करना है स्कोर फिर जीतेंगे, नहीं तो ये फैशन मार्ट बहुत खतरनाक टीम है। आपको क्या लगता है इनमें से कौन है सबसे अच्छे बल्लेबाज जिस पे आपकी नज़र है? एजाज है, नासिर परे है और उसके पास ये शबीर है, मामा भी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है इसके पास। तो शुक्रिया शबीर साहब, थैंक यू, जिसने बोला है कि एक सजेशन दी यहाँ पे ब्रेव हर्ट्स वाकुरा को कि अगर यहाँ पे अच्छा टोटल देना होगा तो क्रीज पे बने रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे ब्रेव हर्ट्स वाकुरा को। शबीर अहमद जो कि सीनियर क्रिकेटर है वाकुरा के, इसने बोला है कि मैंने बहुत सारा क्रिकेट खेला है फैशन मार्ट सफापोरा के साथ, तो इनमें बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, जैसा कि इसने जिक्र किया है नासिर परे का, हिलाल मामा का भी जिक्र किया है शबीर अहमद ने। तो देखने वाली बात यही है कि जो सजेशन दी है शबीर अहमद ने ब्रेव हर्ट्स वाकुरा को, देखेंगे क्या कर पाएंगे ब्रेव हर्ट्स वाकुरा। हालांकि 4 विकेट गवा चुकी है अभी तक 50 रन के स्कोर पे। अभी इनिंग्स का 8वां ओवर चल रहा है, एक ही गेंद हो चुकी है, शौकत अहमद ने पहले ओवर की पहली गेंद पे विकेट लिया है यहाँ पे, अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं शौकत अहमद। अब सामना करेंगे सज्जाद गिल, एक अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला, पॉइंट पे फील्डर तैनात, जब तक फील्ड किया गया गेंद को तो इसी के साथ सज्जाद गिल ने अपना खाता खोला और स्कोर में एक और रन का इजाफा, स्कोर 51 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, 8th ओवर इज अंडर प्रोग्रेस। शौकत वंस मोर, चले हल्के कदम से अंपायर को क्रॉस किया है, गेंद की अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला यहां पे, हालांकि 4 विकेट गवा चुकी है, दबाव बन चुका है ब्रेव हर्ट्स के खिलाड़ियों पे। अगर यहां पे ये साझेदारी बन जाएगी तो एक अच्छा टोटल देने में सफल रहेंगे ब्रेव हर्ट्स के खिलाड़ी। ब्रेव हर्ट्स के पास गेंदबाजी बहुत अच्छी है, जिसमें साहिल आर्चर, शौकत नजार, बिलाल अहमद जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद उठाना चाहते थे लेकिन बीट हुए। तो बिलाल अहमद प्रहार करना चाहते थे इस गेंद पर, लेकिन गेंद धीमी गति से आई, सीधे बिलाल अहमद के थाई पे लगी गेंद। शौकत एक मरतबा फिर से चले, गेंद की अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, एक बड़ा छक्का, बहुत ही लंबा छक्का जड़ा यहां पे शौकत अहमद ने।
तो स्कोर में 6 रन का इजाफा, स्कोर 57, 8th ओवर इज अंडर प्रोग्रेस। Braveheart Swakura need a better partnership from these two batsmen. Shaukat, एक अच्छी गेंद, अंदूरी किनारा लगा, फील्डर तैनात, फील्ड किया गया गेंद को, तो रन लेने में असफल रहे, स्कोर 57। तो इसी के साथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर्स Braveheart Swakura scored 57 for the loss of 4 wickets. आउट होने वाले खिलाड़ी सुहेल भट्ट, आदिल अहमद, समीर अहमद आज कीपिंग का रोल अंजाम दे रहे हैं यहां पे। तो मोहम्मद आमिर फिर से अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली, बल्लेबाज सज्जाद गिल ने डिफेंसिव अंदाज में धकेला गेंद को, पॉइंट फील्डर पे फील्डर तैनात, जब फील्ड किया गया गेंद तो छोर बदलने में सफल, स्कोर 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मोहम्मद आमिर इनिंग्स का 9वां ओवर कर रहे हैं और अपने कोटे का 3रा ओवर, सामना करेंगे बिलाल अहमद। आमिर अच्छी गेंद पुल करना चाहते थे लेकिन बीट हुए यहां पे, एक अच्छी गेंद अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। व्यूअर्स, पहले शुक्रिया करना चाहूँगा आशिक रसूल का जिन्होंने आज हमारे इस लाइव नशरियात को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। अभी तक वही कमेंट्री कर रहे थे, मैं थोड़ा सा बिजी था। अट्ठावन स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके Braveheart Swakura के, और एक बार आशिक रसूल का शुक्रिया जिन्होंने अब तक कमेंट्री की हमारे इस लाइव नशरियात में। अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल और इनके साथ भी नहीं पता कौन है। और व्यूअर से गुजारिश है लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आमिर चले बिलाल के लिए, फ्लाइटेड गेंद, स्लोवर थी लेकिन बिलाल लेना चाहते थे लंबा स्ट्रोक लेकिन मिस कर गए, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। तो इस टूर्नामेंट का सबसे अहम मुकाबला है ये, जो टीम यहाँ से जीतेगी सीधे सेमीफाइनल्स में जाएगी। अभी तक 2 टीम सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर चुकी है, इसमें से पहली टीम है शालबाग ब्लास्टर्स की और कल मुकाबला जीता था इसी मैदान पे। रियान फाइटर्स अहन ने और वो भी सेमीफाइनल्स में दाखिल हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। Swakura प्रीमियर लीग एडिशन 2nd क्वार्टर फाइनल का आज 3रा मुकाबला जारी है। अभी 9वां ओवर इख्तिताम पजीर हो चुका है, 59 हुआ स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। व्यूअर्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
शौकत करेंगे अब गेंदबाजी। पहली गेंद, ये देखिए लंबा स्ट्रोक जड़ा है, कमेंटेटर बूथ के ऊपर से गेंद जा रही है 6 रन के लिए, लंबा स्ट्रोक, काफी बेहतरीन स्ट्रोक था, सीधे गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। छक्के की बदौलत स्कोर पहुंचा ब्रेवहर्ट्स वाकोरा का 65, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शौकत वंस अगेन, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, गेंद गई थी गली क्षेत्र में, वहां पे मौजूद थे फील्डर हिलाल मामा, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, 65 हुआ स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शौकत फिर से एक मरतबा, ओ बाल बाल बचे, स्ट्रोक झड़ना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। स्टंप्स के करीब से गेंद निकली, गई थी विकेट कीपर के पास, उन्होंने अपने पैड्स का इस्तेमाल करके गेंद को रोका। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, 10वां ओवर अभी जारी है, इनिंग्स का 3 गेंदे डाल चुके हैं शौकत। 65 हुआ स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्टंप के बाहर गेंद थी, जाएगी शायद बाउंड्री लाइन के बाहर, जी हाँ, विकेट कीपर ने डाइव करके गेंद को रोकना चाहा था लेकिन काफ़ी दूर थी विकेट कीपर से, हालांकि थोड़ा सा ग्लव लगा था, फिंगर्स लगे गेंद से और तेजी के साथ चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तेजी के साथ गई थी गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, हालांकि शॉर्ट फाइन लेग पोजीशन पे फील्डर तैनात थे, वो दौड़े थे गेंद के पीछे लेकिन रोकने में कामयाब नहीं रहे थे। 5 रन मिले एक्स्ट्रास के रूप में, ब्रेवहर्ट्स वाकोरा को खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन, शौकत की ओर से दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे, लाइन और लेंथ को चेक करना होगा। ये सही गेंद थी, पढ़ने के बाद देखिए कैसे राइज हुई थी, अच्छा कैरी था विकेट कीपर के लिए, अच्छी वापसी की है, अगर जिससे पहले वाइड 4 दिया था ब्रेवहर्ट्स को, लेकिन अच्छी वापसी शौकत की ओर से। स्कोर 70, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके। शौकत फिर से बैट लाइन पे गेंद, क्रॉस हिट लेना चाहते थे, पैट्स पे लगी थी गेंद, अपील हुई थी LBW के लिए लेकिन अंपायर ने नकारा और इशारा भी शायद किया हाथ से कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। अच्छा डिसीजन था अंपायर की ओर से। दसवें ओवर की आखिरी गेंद होगी, अब शौकत डालेंगे वो सजादे सामने, हवा में गेंद, देखते हैं थर्ड मैन पहुंच पाएंगे, एंड मौके पे गेंद तक आए थे, एजाज थे थर्ड मैन पोजीशन पे तैनात, तेजी के साथ गेंद तक आए थे लेकिन आखिरी मौके पे गेंद को कैच नहीं कर पाए। दस ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, अब ड्रिंक्स ब्रेक होगा, ड्रिंक्स ब्रेक जब तक लिया जाएगा तब तक हम अपने व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज अभी कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे हमारे व्यूअर्स के, थोड़े सा मैं बिजी था, थोड़ा सा दूर गया था आज जुमा नमाज अदा करने के लिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट मैं आज ग्राउंड में पहुँचा। तो जो भी व्यूअर्स अब कमेंट करेंगे उनके कमेंट्स में पढ़ना चाहूँगा। डार तोहूर कमेंट कर रहे, शुक्रिया दादा फॉर कमिंग लाइव, नहीं तो मैं कहाँ देख पाता, शुक्रिया आपका भी डार तोहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
व्यूअर्स से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। अभी ड्रिंक्स ट्राली को मैदान में लाया गया है। सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से जुम्मा की मुबारकबाद भी। नियाज अहमद लिख रहे हैं किस ग्राउंड पे चल रहा है मैच, ग्रीन पार्क स्टेडियम वाकुरा में मैच अभी चल रहा है WPL एडिशन सेकंड का तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है बिटवीन फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब सफापोरा और ब्रेव हर्ट्स वाकुरा के बीच में मैच खेला जा रहा है। अभी ड्रिंक्स ट्राली को मैदान में लाया गया है। इरफी नाइस कमेंट्रेटर, शुक्रिया बोलने के लिए। ASOS स्कोर हुआ है शायद 72 10 ओवर के बाद, चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एजाज अहमद लहरवाल मिसिंग ओवर ब्लाउट, शाहिद खान, और शाहिद खान के बारे में अभी मुझे पता नहीं था, शायद वो आज नहीं खेल रहे हैं फैशन मार्ट के लिए। नज़ीर मीर, कल का मैच किसका है, कल का मैच अभी नहीं पता, फिक्स्चर मैंने अभी नहीं देखा है। लोन इरशाद बैट्समैन के नाम अभी मुझे नहीं पता, बैट्समैन के नाम थोड़ी देर में मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। फिलहाल आप मैच को एंजॉय करते रहे। डार समीर अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, शुक्रिया डार समीर इस लाइव नशरियात को देखने के लिए। बट कौसर वेलकम ब्रो, COM आई मिस यू, कमेंटेटर आई मिस यू, शुक्रिया। तो हमें कुछ अपने व्यूअर्स मिस भी कर रहे थे क्योंकि हम कमेंट्री नहीं कर रहे थे। बट इरशाद कौन कौन बैट्समैन आउट हुआ है उसके लिए भी थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होगा कि कौन कौन बल्लेबाज आउट हुआ है वो भी बोला जाएगा। ढार वसीम वसीम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। माही माही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। लोन इरशाद थैंक यू भाई, आपका भी लोन इरशाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी ये लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए सजाद मीर दिल भेज रहे हमारे लिए, शुक्रिया सजाद मीर। थोड़ी देर में मैच फिर से शुरू होगा। अभी ड्रिंक्स लिया जा रहा था, ड्रिंक्स ट्राली को धीरे धीरे अब मैदान से बाहर लिया जा रहा है। थोड़ा सा वेट करें जब तक ड्रिंक्स ट्राली को मैदान से बाहर भेजा जाएगा। बट हाजिम थैंक यू ब्रो, शुक्रिया आपका भी हाजिम भाई हमारी लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए। एजाज अहमद लहरवाल हिलाल मोहम्मद ग्रेट लेजेंड, जी हाँ वो पिछले मैच में हमने देखा था। मलिक यूसुफ भी हमारी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, शुक्रिया मलिक यूसुफ का भी। आशिक खान वाचिंग, शुक्रिया, ये रोज़ हमारे मैच देखते हैं आशिक खान, हर मैच में जुड़ते हैं हमारे साथ, शुक्रिया आशिक खान का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोफी यूसरा लव यू दादा, लव यू टू सोफी यूसरा भी हमारे साथ रोज़ जुड़ते हैं। जावेद अहमद अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। प्रिंस रोमियो ये भी रोज़ जुड़ते हैं हमारे साथ, हेलो लिख रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशिक खान वाचिंग फिर से कमेंट कर रहे हैं, शुक्रिया, ग्रेट पिक्चर का क्वालिटी। मीर रईस लिख रहे हैं स्कोर कितना हो गया, स्कोर हुआ है 10 ओवर के बाद शायद 72, चार खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 72 हुआ है स्कोर शायद। शौकत भट लाओ, शुक्रिया। आशिक खान फिर से कमेंट कर रहे हैं, आशिक खान वाचिंग, शुक्रिया हमारी इस लाइव नशरियात को देखने के लिए। पठान यार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम। शाहरुख शयान वाई नॉट इंग्लिश कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री की भी कोशिश की जाएगी। परे मुदसर लव यू दादा क्रिएशन, लव यू टू शौकत भट, लव लव यू टू। ग्यारहवें ओवर की पहली गेंद लेके आए थे सजाद बाबा, पहली गेंद को
आप साइड के बाहर गेंद थी, कट किया बल्लेबाज ने, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। और फीद खांडे अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। शालबक ब्लास्टर्स के कप्तान है उस्ताद आहिल मुहित भाई। स्कोर क्या गो? स्कोर को शायद 74 गए आउट यावर एस के पठान, यावर एस के। शुक्रिया जो भी व्यूअर्स हमें अभी तक कमेंट कर रहे थे। अभी थोड़ी सी ब्रेक मिली थी, आपके कमेंट्स पढ़ने का मौका मिला था। रन दौड़े थे, तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। तो यहाँ से सजाद बाबा की गेंद थी, पड़ने के बाद नीचे रही थी, निचला हिस्सा लगा बल्ले का, सीधे कैरी कर गई विकेट कीपर तक। हालांकि पहले लगा था शायद नहीं कैरी कर पाएंगे, लेकिन आखिरी मौके पे हमने जब देखा क्लीन कैच था। वापस जाना होगा बल्लेबाज को, पांचवा झटका लगा ब्रेवर्ड्स वाकुरा को। अच्छी गेंद थी सजाद बाबा की, नीचे रही थी, पड़ने के बाद उन्होंने किनारा लगा था, विकेट कीपर ने अच्छा कैच लिया। पांचवी सफलता हाथ लगी है फैशन मार्ट सपापोरा के। अब आए ब्रेव हॉर्स के कप्तान खेलने के लिए। आशिक है इनका असली नाम, लेकिन जान भाई, जान भाई के नाम से इन्हें ज़्यादा लोग जानते हैं। आज के मैच की अगर बात की जाए, जो दो अंपायर्स आज अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो है सीनियर विकेट कीपर बैट्समैन वाकुरा के शबीर अहमद भट्ट, और उनका साथ दे रहे हैं सीनियर अंपायर गांधरबल के नज़ीर अहमद हजाम। बाबा की अगली गेंद, पहली गेंद को आशिक ने डिफेंसिव अंदाज में खेला, गेंद गई थी हलाल मामा के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। गेंदबाजी कर रहे हैं सजाद बाबा भी, लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है सजाद बाबा की ओर से। ये देखिए पढ़ने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की ओर आई थी, टपा लेग स्टंप से बाहर लिया था। सेवेंटी सेवन हुआ है स्कोर, पांच खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब सफापोरा की अगर बात की जाए, काफ़ी मजबूत स्थिति में लग रही है, क्योंकि निसब टीम को वापस भेज दिया है पवेलियन फैशन मार्ट की गेंदबाजों ने। अब गेंदबाजी के लिए लाया गया है एजाज को, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं एजाज, तीन नंबर की जर्सी पहने हुए है। फील्डिंग को एडजस्ट कर रहे हैं एजाज अपने गेंदबाजी के हिसाब से।
कई सारे चेंजेस आज देखने को मिल रही है। अगर बेयर हर्ट्स की टीम की बात करें या फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब की बात की जाए, शाहिद खान आज नहीं दिख रहे हैं फैशन मार्ट के साथ। एजाज गेंद नहीं समझ पाए थे बल्लेबाज, ग्लव से टकराई थी गेंद, थोड़ी देर हवा में जरूर रही थी लेकिन सेफ शॉट था। समझ नहीं पाए थे पूरी तरह से बल्लेबाज इस गेंद को। एजाज काफी अच्छे गेंदबाज भी ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं फैशन मार्ट की टीम में। हल्का वापस जाएंगे, अच्छी गेंद और एक सफलता हासिल की है फैशन मार्ट ने, छठी सफलता। वापस जा रहे हैं बल्लेबाज, सजा थे आउट होने वाले बल्लेबाज, खराब स्ट्रोक था, हल्का सा एज लगा, सीधे गए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। हल्के कदमों से जा रहे वापस डग आउट की ओर, वहां से शायद आएंगे शाहिद नबी अगले बल्लेबाज। सिकंदर मकबूल मिसिंग द मैच, जी हाँ, पिछले मैच में हमने सिकंदर को भी देखा था फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब के प्लेइंग 11 में, लेकिन आज नहीं खेल रहे, कमेंट कर रहे हैं मिसिंग द मैच। जी हाँ, हम भी आपको मिस कर रहे हैं सिकंदर भाई खान। शाहबाज स्कोर बोलो, स्कोर हुआ है 77, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी उबैद लिख रहे स्केयर स्कोर बोलो मोहित भाई, स्कोर हुआ है 77, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी अभी छठा झटका लगा है ब्रेव हर्ट्स वाकूरा को, वापस जाने वाले बल्लेबाज थे सज्जाद। अब आए बड़े हिट लगाने वाले बल्लेबाज शाहिद नबी क्रीज पे आशिक का साथ देने के लिए। पिछले ओवर में ही आए थे आशिक भी बल्लेबाजी करने के लिए, जो कप्तान है ब्रेव हर्ट्स वाकूरा के। शायद नबी पहली गेंद का करेंगे सामना, ऑफ साइड के बाहर गेंद थी, पड़ने के बाद अचानक राइज हुई थी गेंद, जाने दिया शायद नबी ने गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल भी स्ट्रोक लेने का सोचा भी नहीं शायद नबी ने, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। तेजा चले शायद नबी के लिए, पहली स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, क्या हो गया ये, इस भी बल्लेबाज को देख रहे हैं हम ब्रेव हर्ट्स के, बस घुमाना चाहते हैं बल्ले को, जिस तरह से पिछले मैच में भी हमें देखने को मिला था। ठीक है, नहीं खेल रहे बल्लेबाज, सोच समझ के खेलना होगा, अभी काफ़ी सारे ओवर्स बाकी है, 6 विकेट्स गंवा चुके हैं। जहन में ये बात रखनी होगी बल्लेबाजों के को कि फैशन मार्ट के पास काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी है, हमसे कम 150 प्लस स्कोर खड़ा करना होगा। ये देखिए फिर से लाजवाब गेंद थी एजाज की, बिल्कुल भी समझ नहीं पाए थे शायद नबी। स्कोर का हुआ 77, 6 खिलाड़ी के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी कर रहे एजाज, बिल्कुल भी कोई दिशाहीन गेंद देखने को नहीं मिली इस ओवर में एजाज के। काफी तेज तरार गेंदे डाल रहे एजाज, ये देखिए स्क्वायर लेग की जानिब खेला है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, जी हाँ पार भी हो गई, 4 रन के लिए चली गई गेंद, इसी के साथ ओवर समाप्त। एटी वन हुआ है स्कोर, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। स्कोर तो अच्छा खासा है लेकिन यहाँ से विकेट्स को संभाल के रखना होगा, बचा के रखे विकेट्स को यहाँ से, खासकर शायद नबी का पूरे 20 ओवर तक खेलना ज़रूरी रहेगा ब्रेव हर्ट्स के लिए, अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहती है ब्रेव हर्ट्स की टीम।
सजाद बाबा फिर से आए गेंदबाजी करने के लिए। इनके सामने रहेंगे आशिक कप्तान ब्रेवर्ड्स के। पहली गेंद सजाद बाबा की डिफेंसिव अंदाज में खेला। आशिक ने गेंद गई थी नासिर परे के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, बांध के रखा है बल्लेबाजों को फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब की गेंदबाजी ने। लेग साइड के काफी बार गेंद, वाइड का इशारा होगा अंपायर का और बाउंड्री के पार भी जाएगी गेंद। चार रन के लिए वाइड का इशारा अंपायर ने किया। पांच रन आए इस गेंद पे। एटी सिक्स हुआ स्कोर, छह खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फिर से अच्छी गेंद थी लेकिन दिशा इन गेंद पैड लाइन पे गेंद थी, स्वीप किया था जरकर दौड़ रहे गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड किया लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन दौड़ के कंप्लीट किया था। सजाद बाबा अच्छी गेंद, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की शायद नबी ने, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। एक्स्ट्रा के रूप में पांच रन मिले। पिछली गेंद पे वाइड गेंद थी सजाद बाबा की और बाउंड्री के पार भी पहुंची थी वो गेंद। स्ट्रोक लिया है लेकिन कनेक्ट पूरी तरह से नहीं हुआ है शायद। जी हाँ, कैच हो गए शायद नबी, वापस जाएंगे। सातवीं सफलता हाथ लगते हुए फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब वाको सफापोरा के। खराब स्ट्रोक था, पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ है स्ट्रोक। वापस जाएंगे शायद नबी, कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। हालांकि खाली चार रन जोड़ चुके हैं अपने स्कोर में भी और अपने टीम के लिए भी। पठान यार बूम बूम शाहिद भाई, कुछ नहीं कर पाए बूम बूम शाहिद। वापस जा रहे, खराब स्ट्रोक खेला था, संभल के खेलने की जरूरत थी लेकिन नहीं खेल पाए। धीरे धीरे नए बल्लेबाज आ रहे हैं विकेट्स की ओर। अबरा रहे इनका नाम, वही करेंगे आप बल्लेबाजी आशिक के साथ। अब यहाँ से थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, 20 ओवर्स का खेल खेलना लाजमी है ब्रेवहार्ट्स के लिए। काफी पस्त नजर आ रही है ब्रेवहार्ट्स की टीम इस मुकाबले में। काफी उम्मीदें थी आज ब्रेवहार्ट्स से क्योंकि होम ग्राउंड है इनके लिए वाकुरा ब्रेवहार्ट्स के लिए। सारे यही उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस मैच को ब्रेवहार्ट्स जीते और सेमीफाइनल्स में जाए लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है। आशिक सजाद बाबा का करेंगे सामना। अच्छी गेंद, भारी किनारा जरूर लगा था, फर्स्ट स्लिप में फील्डर जो तैनात थे वो दौड़ के गए, गेंद को फील्ड किया। एक रन बनाने का मौका था, मुकम्मल भी किया। स्कोर पहुंचा 88, सात खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब अबरार करेंगे सामना सजाद बाबा का, अभी अभी बल्लेबाजी कर ले आए हैं। पहली गेंद बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, बैक फुट पे गए थे खेलने के लिए। ओवर की समाप्ति, 88 हुआ स्कोर, सात खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। व्यूअर से गुजारिश है वीडियोस को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगभग हमारे पेज पे काफ़ी कम समय में अब 10K फॉलोवर्स होने वाले हैं। अब जिन्होंने हमारे पेज को अभी लाइक और फॉलो नहीं किया है उनसे गुजारिश है पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें।
एजाज को फिर से लाया गया गेंदबाजी के लिए। आशिक करेंगे सामना एजाज का। पिछले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। एजाज चले आशिक के लिए, संभल के खेलना होगा अब, कप्तानी इनिंग खेलने होगी। आशिक को कट करना चाहते थे खड़े खड़े, बीट हुए, कनेक्ट नहीं हुई गेंद, हैंड चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, स्कोर रुका हुआ 88 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एक और मरतबा स्लो डिलीवरी थी, ड्राइव किया, गेंद गई सीधे नासिर परवे के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है, डॉट बॉल्स कुछ खेलेंगे भी, लेकिन संभल के खेलना होगा आशिक को। यहाँ से 20 ओवर्स खेलना लाजमी है ब्रेव हार्ट्स के लिए, कम से कम और 130 तक अगर स्कोर को ले जाने में कामयाब रहेंगे अच्छा रहेगा ब्रेव हार्ट्स वाकुरा के लिए। इतनी देर में डिफेंस अंदाज में खेला आशिक ने, गेंद गई थर्ड मैन क्षेत्र में, वहाँ पे गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का मौका था, मुकम्मल भी किया। एजाज बैक ऑफ द हैंड डाली गई थी गेंद अबरार के लिए, लेना चाहते थे अबरार स्ट्रोक, लेकिन चूके, गेंद की गति से चूके थे। थोड़ी सी अपील भी की थी एजाज ने कट बिहाइंड के लिए, लेकिन भले से नहीं टकराई थी गेंद, इसकी वजह से साथी जो खिलाड़ी थे एजाज के उन्होंने अपील नहीं किया था इस कट बिहाइंड को लेके। काफ़ी सारे दर्शक इस मैदान में जमा हो चुके हैं मैच को देखने के लिए। अंपायर नज़ीर अहमद का इशारा नो बॉल, फ्रेट रहेगी अबरार के पास। एक्स्ट्रा के रूप में और एक रन मिला, 90 हुआ स्कोर इस रन के साथ, फ्रेट रहेगा अब अबरार के पास, मौका है हाथ घुमाने का। चाहेंगे अबरार इस गेंद पे 6-4 बटोरे ताकि अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए। मौका है अब हाथ खोलने का, आउट होने का डर नहीं रहेगा रन आउट के सिवा। चले स्लोअर बॉल, लेकिन नहीं खेल पाए स्ट्रोक, अनुभव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस बल्लेबाज के पास, पहले ही भला घुमाते। कभी गेंद आधी पिच पे ही होती है तो बल्ला घुमाते। निराश किया है अब तक बल्लेबाज उन्हें ब्रेव हार्ट्स के। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, डिफेंस अंदाज में खेला था, गेंद गई थी शॉर्ट फाइन लेग के पास, वहां पे इरफान कप्तान फैशन मार्ट के मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं, 90 हुआ स्कोर 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। छोटा ओवर समाप्त हो चुके हैं, 90 हुआ स्कोर। नादान परिंदा कमेंट कर रहे थे ओवर्स बोलो, 14 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 15वां ओवर अब डालेंगे सजाद बाबा। पहली गेंद की थी फ्लाइटेड गेंद थी, दो की कॉल की है आशिक ने, खेलते ही तेजी के साथ दौड़ के दो रन मुकम्मल किए, क्योंकि स्क्वायर लेग फील्डर जो था काफी दूर खड़े थे। Thank you.
तैयार थे आशिक खेलने के लिए, लेकिन पसीना चला गया था शायद आंखों में, जिसकी वजह से पीछे हटे और सजाद बाबा भी रुके, गेंद नहीं डाली। गर्मी काफी ज्यादा है, ऊपर से हेलमेट भी लगाई है आशिक ने, जिसकी वजह से पसीना ज्यादा आता होगा, इसलिए पीछे हटे थे आशिक। बट इरशाद कमेंट कर रहे हैं, इससे बेटर टीम थी ब्रेव हर्ट्स को विदाउट आउटसाइडर्स, टीम मैनेजमेंट का फैसला होता है, इसमें क्या करे। सेथा बट मैच कहाँ पे है सर? बट हाजिम ने आपको जवाब लिखा है, ग्रीन पार्क स्टेडियम वाकुरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम वाकुरा में मैच खेला जा रहा है। स्थिति ब्रेव हर्ट्स की काफ़ी ख़राब लग रही है अभी, 92 हुआ स्कोर। स्लोवर थी, ड्राइव करना चाहते थे, थोड़ी देर हवा में गेंद थी, कवर पॉइंट पे फील्डर तैनात थे नासिर परे, लेकिन कैरी नहीं कर पाई। ध्यान में हुआ है स्कोर, और गेंद बैकफुट पे जाके डिफेंसिव अंदाज में आशिक ने खेला, गेंद भेजी सीधे फील्डर के पास, हलाल मामा थे वहां पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं, स्कोर रुका हुआ 92। डबल के लिए डबल, फिर से अच्छी गेंद, रन बनाने का फिर से अवसर नहीं, वो आसे मकान कर से झूम या पानी ठीक ना, ये नहीं पूछे नहीं पूछे, फिर से आशिक कनेक्ट नहीं कर पाए। हम स्ट्रोक लेना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए कनेक्ट। ठीक, 15वां ओवर समाप्त हो चुका है, 93 हुआ है स्कोर 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अगले 5 ओवर्स में कम से कम 50 रन बनाने होंगे, वही 130 के करीब स्कोर पहुंचाना होगा ब्रेव हर्ट्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि जानते हैं जो बैटिंग ऑर्डर है, फैशन मार्ट के पास काफ़ी घातक बैटिंग ऑर्डर है, पिछले मैच में भी उसका अंदाज़ा हमने लगाया था, पहला टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर सा गया था पिछले मैच में, लेकिन फिर जब आए थे शाहिद खान और हिलाल मामा, तबाही मचा के रखी थी ग्राउंड में सारे बॉलर्स को। एजाज ने ओवर गेंद डाली थी अपने ओवर की, चेंज ऑफ पेस थी, आशिक बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, अच्छे से खेलना चाहिए अब आशिक को, अपने टीम के लिए कुछ रन जोड़ने होंगे। मीर ओवेस हेलो लिख रहे हैं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयान तनवीर, सर आई लव योर कमेंट्री फ्रॉम जम्मू, शुक्रिया अयान भाई। फिर से अच्छी गेंद, पाठ इरशाद प्लेइंग 11 बोलो मुहीद भाई, प्लेइंग 11 अभी पता नहीं है, वो बोला गया है प्लेइंग 11 मेरे से पहले ही, शायद मैं 10वें ओवर में जुड़ा था कमेंट्री के साथ, उससे पहले ही प्लेइंग 11 बोला गया है,
बट हाजिम अनफॉर्चुनेटली शाहिद खान इज इंजर्ड। अच्छा मुझे पता नहीं था शाहिद खान इंजर्ड हुए, इसीलिए शायद नहीं खेल रहे अपने टीम के साथ। तीसरी मरतबा खराब बल्लेबाज हो रहे हैं आशिक की ओर से, बिल्कुल भी स्ट्रोक्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दर्शक भी शोर मचा रहे हैं, शायद तंग आ गए हैं, अभी स्ट्रोक नहीं जड़ रहे। मीर मेहदी वाचिंग फ्रॉम मानसबल गांधरबल, शुक्रिया भाई अहमद शबीर। ये कौन सा ग्राउंड है? ग्रीन पार्क स्टेडियम वाकुरा। उस्ताद आहिल जॉन आशिक बकवास, बिल्कुल अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे स्ट्रोक को, लेकिन प्लेयर तो ये अच्छे है आशिक सर, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे स्ट्रोक्स को। और एक मरतबा स्ट्रोक लेना चाहते थे, फिर से मिस कर गए आशिक। पिछला ओवर जो डाला था एजाज ने, वो भी काफ़ी अच्छा साबित हुआ था फैशन मार्ट के लिए। खाली 2 रन खर्च किए थे उस ओवर में, और इस ओवर में भी अगर देखा जाए पहली 4 गेंदें जो डाली गई है डॉट पे खिलाने में कामयाब रहे एजाज। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। उस्ताद आइल और कुछ कमेंट लिख रहे, ये मैं पढ़ना नहीं चाहूँगा। और ये देखिए दर्शक शोर मचा रहे थे, ये क्या हो रहा है, स्ट्रोक्स कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं। और इतनी देर में एक लंबा स्ट्रोक जड़ाया आशिक सर ने 6 रन के लिए, इनाम रखा था इनके ऊपर किसी ने, अगर छक्का लगाएंगे तो इनाम दिया जाएगा, हमने नहीं सुना था। ये देखिए छोटे बच्चे से शायद इनाम अभी लाया जाएगा। जी हाँ, भेजा गया है छोटे बच्चे को मैदान में इनाम लेके। अंपायर्स को चाहे थोड़ा सा जल्दी करे। ये देखिए दर्शक कितने जज्बाती हो गए, बॉलर के लिए इनाम रखा था, अगर छक्का वो गेंद डालेंगे जिसमें छक्का लगेगा। हो दर्शक काफी जज्बाती हो रहे, इनाम देना चाहिए था आशिक को। ये देखिए और एक करारा स्ट्रोक जड़ाया आशिक ने, डी पॉइंट की ओर गेंद जा रही है, गेंद को फील्डिंग किया गया, 1 रन बनाने का मौका था, 1 रन मुकम्मल भी किया और समाप्त हो चुका है। दर्शक काफ़ी तंग आ चुके थे क्योंकि स्ट्रोक्स नहीं जड़ पा रहे थे आशिक, और इनाम रखा गया था गेंदबाज एजाज के ऊपर, और वो ऐसी गेंद डाले जिसपे छक्का या चौका आए, तो अगली गेंद पे छक्का लगाया था आशिक सर ने और इनाम जीता एजाज ने। काम किया आशिक सर ने, लेकिन इनाम मिला एजाज को। ये तो अशरफ, आई एम वॉचिंग फ्रॉम नागाम चाड़ोरा, गुड कमेंट्री, शुक्रिया भाई नागाम चाड़ोरा से हमारी इस लाइव नशरियात को देखने के लिए। शाहिद रथर वॉचिंग फ्रॉम कुवैत, मिस माई कश्मीर। ये शाहिद रथर हमारे शायद कश्मीरी भाई है जो अभी कुवैत में शायद काम कर रहे हैं, ये भी साथ में लिख रहे हैं मिस माई कश्मीर, शुक्रिया कुवैत से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक मरतबा शाहिद रथर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, कुवैत में भी हमारे कश्मीरी भाई हमारे इस लाइव टेलीकास्ट को देखते हैं। मीर ओएस अहान से देख रहे हैं इस मैच को, और एक अच्छा स्ट्रोक जड़ा है आशिक ने, सजाद भाभा आए थे गेंदबाजी करने के लिए, कवर ड्राइव खेला, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। सजाद हुसैन, लव यू ऑल, लव यू टू सजाद हुसैन भाई, कैसर कैसर, लव यू एजाज भाई, नजार फिरदोस मेरी तरफ से, शाम को जूस किसको मिलेगा, जूस नहीं पता। वानी मुश्ताक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मोमस ड्यूड ऑफिशियल, बेस्ट ऑफ लक ऑफ सफापोरा, बेस्ट ऑफ लक भेज रहे हैं। ये देखिए स्लोवर डिलीवरी, आशिक बाहर निकले थे, क्लीन बोल्ड हो गए। 104 हुआ था स्कोर पिछले चौके की बदौलत, 8वीं सफलता लगी है, वापस जाएंगे आशिक सर कप्तान ब्रेवहार्ट्स के। रियाज अहमद शाह वाचिंग फ्रॉम कुपवारा, शुक्रिया मैच देखने के लिए कुपवारा से भी, तो फख्र की बात है कश्मीर के कोने कोने से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, और कुवैत से भी अभी कोई जुड़ा था, जम्मू से भी, शुक्रिया सबका तहे दिल से। गली का लोंडा सुपर लिख रहे हैं, शुक्रिया
एफआम आलम फ्राम श्रीनगर, शुक्रिया श्रीनगर से, श्रीनगर से हमारा मैच देखने के लिए। उस्ताद आहिल, अगर ब्रेवहुड्स को मैच जीतना होगा कम से कम 160 टारगेट देना होगा, वो भी कम पड़ेगा शायद जैसी बैटिंग लाइन है। शाहिद रोथर, आई लिसन एवरी टाइम योर कमेंट्री, सो ऑसम वाइज ब्रो, अल्लाह ब्लेस यू एंड ऑल ओवर कश्मीर। शुक्रिया कहना चाहेंगे आपका भाई, आप कुवैत से हमें देख रहे हो और हमारे लिए दुआएं भेज रहे हो, इसके लिए आमीन का कहना चाहूँगा। शुक्रिया हमें ऐसा कम्प्लीमेंट देने के लिए। अब आए अगले बल्लेबाज, गेंदबाज है ब्रेवहुड्स के, शौकत अहमद नजार स्ट्राइक गेंदबाज है ब्रेवहुड्स के। अब आए वही बल्लेबाजी करने के लिए, थोड़ी सी मैट में खराबी आई थी जिसको ठीक कर रहे हैं अंपायर नज़ीर अहमद हजाम और उनका साथ दे रहे हैं ब्रेवहुड्स के कुछ प्लेयर्स। सोफी इशफाक, स्कोर प्लीज़, 104 हुआ है स्कोर, 16वां ओवर शायद अभी डाला जा रहा है। एजाज शाह, नाइस आमिर, यस शाहिद स्कोर बाय 104। अफीम आलम, अच्छी कमेंट्री, शुक्रिया। आरिफ जहूर, फैंटास्टिक टू वॉच दिस मैच फ्रॉम सफापोरा, शुक्रिया आरिफ जहूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आए शौकत नजार, सजाद परे बाबा इन 3W, तनवीर हुसैन, लव फ्रॉम बड़गाम, शुक्रिया बड़गाम से हमारे प्यार और मोहब्बत भेजने के लिए। बट मार्जिन वॉचिंग फ्राम गांवोरा ब्रो, शुक्रिया गांवोरा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिस्की जुबैर, आई एम फ्राम पुलवामा, शुक्रिया पुलवामा से भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक साथ सारे व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो काफ़ी सारी जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सजाद बाबा ने अपने ओवर की दो गेंदें डाल चुके हैं और विकेट के बाद अब इस ओवर की आखिरी गेंद होगी, सजाद नजार करेंगे सामना। सॉरी शौकत नजार, ये देखिए अच्छा स्ट्रोक लिया, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। सेवनटीन्थ ओवर कंप्लीट किया गया, 17 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एक सौ आठ हुआ है स्कोर, 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। सत्रह ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 108 हुआ है स्कोर, फिर से मैट में कुछ खराबी लग रही है, इसको फिर से ठीक किया जा रहा है। थोड़ा सा खेल रुका हुआ क्योंकि मैट में कुछ खराबी है, इसकी वजह से खेल को रोका गया है। इनिंग्स का 18वां ओवर डालेंगे, 18th ओवर जो इनिंग्स का होगा वो फिर से एजाज डालेंगे, सामने रहेंगे अबरार। 3 ओवर्स रह चुके हैं, 2 सफलताएं हासिल करनी है फैशन मार्ट क्रिकेट क्लब को ऑल आउट करने के लिए ब्रेवहुड्स वाकोरा को। अच्छी गेंद कट किया था, डायरेक्ट हिट अगर होता रन आउट जरूर मिलता, लेकिन नहीं, अच्छी कॉल थी शौकत की, तेजी के साथ रन कंप्लीट किया, स्कोर बढ़ता हुआ 109, 8 खिलाड़ी के नुकसान पर। एजाज फिर से शौकत के लिए और एक मरतबा तेज कदमों से आते डिफेंस अंदाज में खेला था, हालांकि ज़रूर गेंद हवा में थी, पॉइंट की ओर गई थी गेंद लेकिन कैरी नहीं कर पाई हिलाल मामा तक गेंद, जिसकी बदौलत खाली 1 रन मिलेगा। सेफ लैंड में गिरी थी गेंद, 110 हुआ स्कोर, 18वां ओवर अभी जारी है।
फिर से एक मरतबा एजाज चले अबरार के लिए। अच्छी गेंद थी, थाई पे लगी थी, लेकिन अंपायर नज़ीर अहमद ने फिर से नो बॉल का इशारा दिया है, तो अतिरिक्त रन मिलता हुआ। अबरार के पास फिर से फ्री हिट का मौका है, पिछली बार भी फ्री हिट मिली थी जिसपे लाभ लेने से कासिर रहे थे वो। यहाँ देखने वाली बात होगी क्या ले पाएंगे स्ट्रोक या नहीं। हल्का सा है, तेजी के साथ गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। हल्का सा किनारा लगा था बल्ले का, सेकंड स्लिप में गई थी गेंद, हालांकि फर्स्ट स्लिप को तैनात किया गया था, नासिर परे थे तैनात, लेकिन सेकंड स्लिप की पोजीशन से गई थी गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए। या चले अब अबरार के लिए, फिर से स्लोअर बॉल, क्लीन बोल्ड हो गए, वापस जाएंगे अबरार भी। नवीं सफलता शायद हासिल हुई है। अब आखिरी बल्लेबाज आएंगे खेलने के लिए, शायद साहिल हमीद होंगे वो आर्चर, वो भी कभी कभी लंबे हिट लगाते हैं, लेकिन एज ए बॉलर ही टीम में खिलाया जाता है उन्हें। एक सौ तेरह हुआ है शायद स्कोर, 109 के बाद एक चौका लगा था, 113 हुआ है शायद स्कोर, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, फिर भी मैं कंफर्म करके फिर से बताता हूँ स्कोर, जो काफ़ी नहीं रहेगा ब्रेवहर्ट्स के लिए ये स्कोर। अब आखिरी जोड़ी होगी ब्रेव हर्ट्स की मैदान पे। पहली गेंद का सामना करेंगे आर्चर, पहली गेंद पे बला घुमाया था, ऑफ साइड के बाहर गेंद थी। और अगेन साहिल हमीद के लिए स्लोअर थी, फिर से भला घुमाया था साहिल हमीद आर्चर ने, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए स्ट्रोक को। एक सौ पंद्रह हुआ है स्कोर, 18 ओवर की समाप्ति के बाद।
तक पंदा इनिंग्स का 19वां ओवर होगा। हवा में गेंद, हिजाज तेजी के साथ आ रहे लॉन्ग ऑफ पोजीशन से, लेकिन नहीं पहुंच पाए गेंद तक। कवर पोजीशन पे जो फील्डर तैनात थे, अगर वो दौड़ते शायद पहुंच पाते। और एक मरतबा एज लगाया, थर्ड मैन की ओर जाएगी गेंद, एक रन मिलेगा। स्कोर पहुंचा 117। जैसे कुल शॉट खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर गए। अच्छी गेंद थी, फिर से कट करने गए थे फिर से शौकत, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए स्ट्रोक। स्कोर रुका हुआ 117। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और गेंद बाहर निकल कर लंबा स्ट्रोक लेने जाते थे शौकत, लेकिन भले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। स्कोर रुका हुआ 117। 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। उन्नीसवें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। बोल्ड हो गए, इस तरह से क्लीन बोल्ड किया है, ऑल आउट हो गई है ब्रेवर्ड्स की टीम। 117 रन बनाए, 118 बनाना होगा ब्रेवर्ड्स वाकोरा को। 118 टू विन फॉर ब्रेवर्ड्स, सॉरी फैशन मार्ट को 118 जीतने के लिए। मिलते हैं अब सेकंड इनिंग्स में, फिलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।